अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आवाज़ सी रहे धरती टीवी न्यूज़। ऐं आउं आहियां रिज़वान हिंगोर जो सभ खां पहिरीं शामिल कंदासूं हिन वक़्त जूं हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म बावजूद वजीर अजम इमरान खान खिलाफ बेतमादी रिथ से वोटिंग न थी सकी। सुबह 10:30 बजे सदायल इजलास हुकूमती मेंबरन के मरहलेवार डिघियन तकरीरन बाद चौथों भेरो 9:30 बजे ताई मुलतवी। अपोजिशन तरफा जोर भरण बावजूद स्पीकर के टाल मटोल चवे तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो पढ़ो अथम, अदालती फैसले से जी जो ती अमल कराइंदस। इमरान खान से बेवफाई नथो करे सगा कौमी असेंबली के स्पीकर असद केसर बेतमादी रिथ से वोटिंग कराने का इनकार कर छोड़ो। अपोजिशन के जरियन जो चवण है असद केसर मूजिब उनको इमरान खान से 30 वरन का ताल्लुक है जो खत्म नथो करे सके तो इन अदालत लगे या नाहिल करार दिनो वजा नतीजा भोगन लाए तैयार आया जी सजा मिली कबूल है पर इमरान खान से बेवफाई नथो करे सका। कप्तान भाग रहा है, बातें आईन शिकनी कर रहे हैं। अगर आप आज का एजेंडा पर नहीं आते हो तो आपको आज से मालूम होना चाहिए पूरा ऑपोजिशन भी यहाँ से नहीं जा रहे हैं। अब ये जो लड़ाई है ये पीटीआई और पीपुल्स पार्टी का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई वो जिम्मेदार शख्सियात जो न्यूट्रल रहना चाहते हैं उनके और उनके दरमियान है, जो न्यूट्रल नहीं मुदाखलत करना चाहते हैं। असल साजिश ये है कि खान साहब साफ शफाफ इलेक्शन से डरता, इनका ये साजिश है कि या सिलेक्शंस का रिपीट हो इतना तमाशा पैदा करे और आमरियत सामने आए। ये पहले भी सिलेक्टेड थे, ये पहले भी फैजियाब हुए और ये एक बार फिर सिलेक्ट होके आना चाहते हैं, ये एक बार फिर फैजियाब होके आना चाहते हैं। आमरियत आना है तो आमरियत आए, मगर कप्तान अपना जिद पे अड़ा हुआ। इमरान खान सियासी बोरान पैदा करे फौजी मुदाखलत चाहे तो, ये पहरी भी फैजियाब थिया हाने भी फैजियाब थन चाहिन था। स्पीकर साहब तवा तोहीन अदालत करे नाहिल थी विंदा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म तहत तवा के अजे ही वोटिंग करानी है, जेकर अजे वोटिंग न थी तो आइन शिकनी आई तोहीन अदालत थी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो कौमी असेंबली में खिताब चाहे इमरान खान अक्सरियत विञाए वेठो है, अपोजिशन वट अक्सरियत है, अदालत जो हुक्म मनो वोटिंग करायो तवा तोहीन अदालत से गड आइन शिकनी में भी मुलविस आयो थी रहा आयो। डे इज अ वोटिंग डे, आप वक्त जाया न करें, वोट कराएं, एक चीज अपने इख्तिताम पे पहुंचे और फिर हम देखेंगे। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि वोट 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 एंड नथिंग बट वोट, सवाए एक शख्स के हम हर पॉलिटिकल फोर्स से बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, बात की जा सकती है। इनके अंदर बैठे हैं दोस्त जिनसे मैं बात कर सकूं, वोट कराएं, इस महले को खत्म करें, इस माहौल को खत्म करें, आगे बढ़े ताकि पाकिस्तान की बेहतरी करा सके। पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास, इनके यहाँ काफी हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी से गए हुए हैं, इंशाल्लाह वो एक दिन वापस आ जाएंगे। स्पीकर जो ऑर्डर ऑफ द डे ना ध्यान छिकाइन चाहिंदुस, अज बेतमादी रिथ से वोटिंग जो डी आए कैसा पर्सनल थे नथो चाहिया। अक्सर मानू जज्बाती थी चवन था संदन बंदूक की नाली ते मां आया, पर मां जज्बाती ना आया थींदो इते कें जो लीडर चवे तो मां संदस बंदूक के नाले ते आया। ई शिकारी भी आन तो खिलाड़ी भी आन तो पोए रोहन केड़ी गाल जो आए। गुण सदर आसिफ अली जरदारी जो कौमी असेंबली में खिताब चयाई सियासी यूनिवर्सिटी रुगो पीपल्स पार्टी वठा है, तहरीक इंसाफ जा खोड़ शागिर्द असाजे यूनिवर्सिटी जा हैं जेके एक डी वापस मोटी।
अमरीकी सलामती वाले सलाहकार सिद्धी रीत चयवा तो रूस न वनो पर वजीर शाह महमूद कुरैशी कैंसा बिगाड़न असाज मफाद में ना है। अमरीका चाहे तो खैस हर उन मामले में सपोर्ट कजे जेके अमरीका लाइ अहम आन बीहर चई रो आया तो असा के मिलल डॉक्यूमेंट तस्दीक थियल है जो वॉशिंगटन में मुकर्र ग्रेड 22 जो ऑफिसर मोकलो। अपोजिशन के अजा भी खदशा आन तो वॉशिंगटन में सफीर के घुराए इन कैमरा इजलास को ठाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ चयो है तो अज पार्लियामेंट आईनी और कानूनी तरीके से एक सिलेक्टेड वजीर अजम के शिकस्त दियण पो वे जैसे हि मू साजिश की गाल कंदा तो गाल परे ती अस इन पार्लियामेंट में ही वायखो कंदासी। स्पीकर साहब तुम अदालती फैसले मूजिब बेतवादी रिथ वाली कार्रवाई के अगते बढ़ाओ। इदारा न्यूट्रल आन पर तमाम जल्द न्यूट्रल न रहंदा मुल्क में बुहारो फिरंदो डिसी रहयो आया वफाकी घर वजीर शेख रशीद चयो आ एम कथी करे छडी चवे तो मुल्की हालतूं गंभीर थी रहयो आन दहशतगर्द भी मुल्क अंदर दाखिल थी चुका आन जेके वजीर आजम ऐं वॾो वज़ीर बणिजी रहिया आन से ॿई ॼणा जवाबदार आहिनि इक़्तदार जे वक़ायलनि ते फर्द जुर्म लागू थियणो हो। खचरन जे बाजार लगन सा बोहरान कदें खत्म नहीं थींदा जिन मानू खरीद कया आन उही मार्शल लॉ जा जुम्मेवार हुंदा। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का मथे ना है अन्या T20 मैच रहल है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी चयो आ अज अपोजिशन अगवान सा गालियों थियो आन सियासी पार्टियों के घुर्जे त हल कढ़न इलेक्शन में वन चूंडन दा वनो हा त मुल्की बोहरान खत्म थी वे आ सियासतदान जा मसला हल कर अदालत ई फौज जो कम ना है सियासतदान गरजी वेही गाल। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 69 तहत कौमी असेंबली के टाइम टेबल नथी रही सके तहरीक इंसाफ वजीर अजम खिलाफ बेतमादी रिथ ते डिप्टी स्पीकर जी रूलिंग के काल अदम करार दियण वारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दाखिल कराए छी। दरख्वास्त पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी असद उमर वकील बाबर अहवान मोहम्मद अजहर सिद्दीक जरिए दाखिल कराई। नजरसानी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच 7 अप्रैल वो फैसलो वापस वठण की गुजारिश कई वही है। हुकूमत पंजे बागी मेंबरन खिलाफ स्पीकर वट रेफरेंस जमे कराए छो मतन में चयो वियो आ त बागी मेंबरन शोकास नोटिस जो मुतमैन कंदर जवाब न दिनो उनन पीटीआई छडे मुखालिफ धुर में शमूलियत अख्तियार करे वरती आए कानून तहत संदन खिलाफ कार्रवाई कई वने। लीगी अगवान मरियम नवाज वजीर अजम के जहनी मरीज करार दे छो चवे थी इमरान खान पैं खल बचाने लाए मुल्क के यरगमाल बढ़ाए रखो है होश आवास विजाई शख्स के मुल्क में तबाही मचाने की इजाजत न दियण घुर्ज हि का मजाक ना है इमरान खान से वजीर अजम या अगूणे वजीर अजम जड़ो वर्ताव न थियण घुर्ज सूरत हाल के मोह दियण का डिनल शख्स के करे समूरो मुल्क मफलूज थी वो है। गोलाची बाईपास